good morning students welcome again here in this video tutorial today we'll continue with the chapter number 8 that is decimals and today we'll learn about hundreds the place value and reading and writing about the hundreds in the last tutorial class we have already done in the place of tenths decimal okay

तो हमारे पास इस स्क्वायर बॉक्स में अंदर से छोटे छोटे स्क्वायर्स हैं सो लेट्स काउंट दी स्क्वायर्स वी हैव जस्ट काउंट इट हॉरीजोन्टली वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन सो हॉरीजोन्टली वी हैव टेन स्क्वायर्स एंड वर्टिकली वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन सो टेन मल्टीप्लाई टेन इज़ इक्वल टू हंड्रेड so in this square box we have hundred small squares. fine. it means that if we'll write one square, अगर हम one ले लेंगे इसमें से one will denote it as one out of hundred. अगर हम इस स्क्वायर में से इस पूरे स्क्वायर में से पूरे स्क्वायर को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है हंड्रेड इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है और हमने वन पार्ट इसका टेक आउट कर लिया वन आउट ऑफ हंड्रेड टू आउट ऑफ हंड्रेड थ्री आउट ऑफ हंड्रेड फाइन सो इफ विल शेड ओनली नाइन पार्ट्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन ओके तो हमने उसके नाइन पार्ट शेडेड कर लिए सो विल रिप्रजेंट इट एज नाइन आउट ऑफ कितने में से हो ये होल स्क्वायर एक स्क्वायर है इसको हमने कितने इक्वल पार्ट में किया है टेन सॉरी हंड्रेड सो हंड्रेड में से हमने कितने पार्ट सेडेड किए हैं ओनली नाइन सो नाइन आउट ऑफ हंड्रेड अगर हम नाइन बाहर भी निकालते हैं तो नाइन आउट ऑफ हंड्रेड फाइन सो इफ रिप्रेजेंट इट एज इन डेसिमल अगर हम इसे डेसिमल में रिप्रेजेंट करेंगे दिस इज अ फ्रैक्शनल पार्ट ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट है सो दिस इज डिनोमिनेटर एंड दिस इज विल राइट इट हियर दिस इज डिनोमिनेटर एंड दिस इज न्यूमिरेटर फाइन इफ विल रिप्रेजेंट इट एज इन डेसिमल पार्ट सो हियर वी हैव ओनली नाइन हमारे पास टेंथ प्लेस में यहाँ पर कुछ भी नहीं है सो वी नो दैट डेसिमल इज़ व्हेन वी पुट अ डेसिमल पॉइंट जब हम डेसिमल पॉइंट रखते हैं तो हम सेपरेट करते हैं दिस साइड हमारा होता है होल नंबर का प्लेस सो होल नंबर में हमारे पास कुछ भी नहीं है ये हमारे वन के हमने हंड्रेड्स हंड्रेड पार्ट के हैं स्मॉल हमारे पास यहाँ पर होल में कुछ भी नहीं है सो विल राइट हियर जीरो फाइन अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे जब हम डेसिमल में लिखते हैं तो डेसिमल मींस होता है हम यहाँ पर सेपरेट कर देते हैं डेसिमल ये हमारा हो गया होल पार्ट डेसिमल पॉइंट एंड हियर आफ्टर द डेसिमल जो हम नंबर्स लिखते हैं ठीक है तो यहाँ पर हम लोग जैसे हमने कोई भी नंबर लिखा है या आपका टेन हंड्रेड्स में आ रहा है तो हमने यहाँ पर लिखा ज़ीरो फाइन क्योंकि ज़ीरो हमारे पास होल नंबर कुछ भी नहीं है तो डेसिमल विज़िबल करने के लिए हम यहाँ पर ज़ीरो लिखेंगे अगर हम ज़ीरो नहीं लिखेंगे हमारे पास होल नंबर में कुछ भी नहीं है ज़ीरो भी नहीं लिखेंगे तो कभी कभी आपको डेसिमल शो भी नहीं होता है फाइन सो so, इसे विजिबल करने के लिए हम वंस की प्लेस में ज़ीरो लिखेंगे सो हियर इन द टेंथ प्लेस वी डेंट हैव एनी नंबर यहाँ पर हमारे पास टेंथ प्लेस में अगर हम यहाँ पर पूरे टेन के टेन जो हमारी टेन लाइंस हैं टेन स्क्वायर्स हैं वो हमारे पूरे शेडेड होते तो यहाँ पर हम लोग वन लिखते बट वन पार्ट क्योंकि पूरा हमारा वन लाइन शेडेड है ओके बिकॉज वी हैव नाइन सो इन देंथ प्लेस वी ऑल्सो हैव ज़ीरो Well, होल so, ये तो आपका यहाँ पर वन स्टेंस की प्लेस आती है ये तो आपका होल नंबर में काउंट होता है तभी हमने यहाँ पर जीरो लिखा है तो यहां पर हमारा वन के बाद टू नंबर है तो डेसिमल के बाद हमारे टू डिजिट्स आने चाहिए वन के बाद टू डिजिट्स यहाँ पर टू जीरो हैं तो डेसिमल के बाद भी हमारे टू डिजिट्स होने चाहिए तो वन तो हमारा डेसिमल के बाद नाइन ना आ जाएगा और वन हमारा जीरो अंडरस्टूड एवरीवन। एवरी वन सो स्टूडेंट्स हियर वी हैव वन मोर एग्जाम्पल दैट इज वी हैव अ स्क्वायर हियर

हंड्रेड स्मॉल स्क्वायर्स हैं सो हियर टेन 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 थर्टी इट मीन्स थर्टी फाइन जो आपके थर्टी हैं थर्टी तो आपके एक्जैक्टली exactly टेन वाले आपके शेडेड पोर्शन है फिर उसके बाद आपके ओनली थ्री थ्री जो हैं वो आपके पोर्शन शेडेड है थ्री बॉक्स थ्री स्मॉल स्क्वायर्स जो सिंगल है यूनिट में आपने ले रखे हैं फाइन सो विल रिप्रेजेंट इट एज फ्रैक्शन थर्टी थर्टी तो आपके पास पूरे हैं स्क्वायर की जो टेन की लाइन है एंड थर्टी प्लस थ्री थर्टी थ्री आउट ऑफ हंड्रेड आपने थर्टी थ्री हंड्रेड में से थर्टी थ्री पोर्शन आपने शेडेड किए हैं सो इफ डी डिनोट दिस फ्रैक्शन एज इन डेसिमल पॉइंट डेसिमल पार्ट सो इन डेसिमल विल राइट इट एज़ जीरो इन द वंस प्लेस वंस प्लेस में हमारे पास क्योंकि कुछ भी नहीं है यहाँ पर होल होल में हमारे पास कुछ भी नहीं है जीरो सीले हम इसे लिखेंगे इससे ये जो आपका डेसिमल पॉइंट है ये विजिबल होगा एंड जो हमारा टेंथ है टेंथ डू यू नो द मीनिंग ऑफ टेंथ टेंथ की लाइन में आपके कितने हैं वन टू थ्री इट मीन्स टेंथ थ्रीज आर थर्टी थर्टी है ना तो थर्टी में जब आप थ्री प्लस करोगे तो आपका थर्टी थ्री हो जाएगा फाइन सो हियर आपका जीरो पॉइंट हमने यहाँ भी लर्न किया था कि जब हमारा डिनोमिनेटर में आपका हंड्रेड है वन डिजिट के बाद टू और है टू जीरो हैं वन के बाद टू ज़ीरो हैं तो हम इक्वल करते हैं नंबर्स जो हमारे डेसिमल के बाद हम नंबर्स डिजिट्स इक्वल करते हैं तो डेसिमल यहाँ पर डिनोमिनेटर में वन के बाद टू जीरो है तो ऊपर भी हम टू नंबर इक्वल करेंगे सो हियर डेसिमल पॉइंट रखेंगे एंड थर्टी थ्री ओके सो दिस इज इसको हम वन काउंट कर लेंगे यहाँ पर हमारे पास थ्री डिजिट्स हैं तो ये ऊपर भी हमारे पास थ्री होने चाहिए तो दिस इज वन टू एंड थ्री फाइन और सिंपली यू कैन से दैट डिनोमिनेटर में आपके टू जीरो हैं तो आपके ऊपर न्यूमरेटर में भी टू ही नंबर होने चाहिए फाइन सो तो विल राइट हियर ओनली विल पुट ओनली द डेसिमल पॉइंट हियर एंड द डिजिट्स आर द नंबर्स आर सेम विल राइट सेम एज इट इज जो हमारे पास है वहां पर ओके स्टूडेंट्स यू ओनली जस्ट नोटिस दैट हमारे पास जो हंड्रेड्स की प्लेस में जो हमारा डिनोमिनेटर होता है वो हंड्रेड होता है इट मीन्स हमारे टू जीरो होते हैं तो हमें न्यूमिनेटर में भी उतने ही नंबर्स इक्वल करने होते हैं यहाँ पर आप यहाँ पर डिफरेंस देखिए यहाँ पर आपका नाइन आउट ऑफ हंड्रेड में ओनली नाइन था न्यूमिनेटर में सो दैट्स वाई जो आपकी वंस की प्लेस है आपका लेफ़्ट साइड में डेसिमल से पहले जो है वो तो आपका वन टेंस थाउजेंड इधर को आ जाएगा तो ये आपका वंस प्लेस आएगा तो वंस प्लेस में हमारे पास बोथ साइड यहाँ पर इस वाले फिगर में भी इस वाले फिगर में भी होल नंबर नहीं है सो विल राइट ओनली ज़ीरो एंड देन चेक आउट द डिफरेंस बिटवीन बोथ द नंबर्स हियर वी हैव थर्टी थ्री एंड हियर वी हैव नाइन सो यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर में टू जीरो हैं तो हमें ऊपर न्यूमर डेसिमल के बाद भी हमें टू ही डिजिट चाहिए दैट्स बाई इन द टेंथ हमारे पास इसमें टेंथ में कुछ भी नहीं था सो देट्स बाई वी हैव रिटर्न योर ज़ीरो और यहाँ पर हमारे पास टेंथ की लाइन में थर्टी सो वी हैव रिटर्न हियर थ्री और थ्री हमारे पास सिंगल थे सो ज़ीरो पॉइंट थर्टी थ्री या ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो नाइन ओके Now, if we'll see the place value of the uh, numbers after the decimal, we'll represent as so uh, we represent it as we have a fraction here that is five out of hundred. Uh, students, we know that the fraction. जो हमारा फ्रैक्शन होता है वो वन से स्मॉल होता है इट मीन्स डेसिमल भी जो हमारा होता है वो वन से स्मॉल होता है बिकॉज इन द प्लेस वैल्यू चार्ट देयर इज़ यहाँ पर ये यह हमारा वंस की प्लेस होती है ये हमारी टेंस की प्लेस होती है लाइक दैट ये हमारी थाउजेंड एंड ऐसे ही ये इंक्रीजिंग होता है इंक्रीजिंग मीन्स बढ़ता चला जाता है फाइन एंड इन आफ्टर द डेसिमल इट इज डिक्रीजिंग ये घटता चला जाता है मीन्स कम होता चला जाता है सो हियर दिस इज वंस तो हम यहाँ पर जो डेसिमल पॉइंट है इसको इस डॉट को हम वंस ले लेते हैं ओके नाउ दिस इज टेंथ विल राइट इट एज टेंथसम जो हमारा साउंड हो रहा है वो भी सिमिलरली हमें साउंड हो रहा है दिस इज टेंथ दिस इज टेंथस लास्ट की जो आपकी स्पेलिंग है वो चेंज हो रही है टेंस है टी एच एस यहां पर इंक्लूड हो रहा है ओनली ओके दिस इज थाउज़ेंड्स, दिस इज हंड सॉरी वंस टेंस दिस इज ऑल्सो हंड्रेड टाइम्स, इट कैन रोंग हो सकता है बट दिस इज वंस टेन एंड दिस इज हंड्रेड आफ्टर दंड्रेड विल राइट दी थाउजेंड प्लेस ओके हंड्रेड के बाद थाउजेंड प्लेस आता है इनक्रीजिंग में बढ़ते हुए लिया है तो ये हमारा डेसिमल आ गया उसके बाद हमारा टेंस टें हंड्रेड्स हंड्रेड्स ओके एच यू एन डी आर ई डी टी एच एस हंड्रेड ओके सो ह दी फ्रैक्शन इज फाइव आउट ऑफ हंड्रेड स्टूडेंट्स वी नो दैट जो हमारा ये फ्रैक्शन है ये वन होल से स्मॉल है क्योंकि ये डिक्रीजिंग होता चला जा रहा है ये हम वन के ही पार्ट कर रहे है। ये one one कर हैं यह हमने वन के वन टेंथ कर दिए हैं ओके फिर उसके बाद हमने हंड्रेड पार्ट कर दिए हैं जो हमारा होल में आएगा वन टू थ्री जो भी हम यहाँ पर होल लिखेंगे वंस की पार्ट में हमारा सपोज टू बी वन है समटाइम्स इट कैन बी टू थ्री फोर होल हमारे नंबर्स कितने भी हो सकते हैं वंस की कॉलम में आप टू भी लिख सकते हो टू वन से लेकर नाइन तक अगर आप टेन लिखोगे तो वो फिर टेन वंस की कॉलम में टेंस की कॉलम में चला जाएगा वन कैरी तो वन से लेकर नाइन तक आपके वंस की कॉलम में आ सकते हैं फाइन तो ये तो आपका होल पोर्शन आ गया आफ्टर दी डेसिमल सिमल देंथ पार्ट हाइव हंड्रेड टेंथ की पार्ट में आपके पास कुछ भी नहीं है फाइन सो हियर विल राइट जीरो एंड दिस साइड विल आल्सो राइट दीरो व्हाई बिकॉज द डेसिमल विल विजिबल यहां पर जो हमारा डेसिमल सिंबल है पॉइंट है ये विजिबल होगा यहां हमने वंस में भी जीरो लिखा है क्यों क्योंकि हमारे पास होल नंबर में वंस की प्लेस में भी कोई डिजिट नहीं है दैट्स वाई वी हैव रिटन योर ज़ीरो इफ अगर हमारे पास होल नंबर होता सपोज भी यहाँ पर हमारे पास वन होता तो हम यहाँ पर वन लिखते बिकॉज़ वंस पे हमारे पास कुछ नहीं है तो वी हैव रिटन योर ज़ीरो एंड टेंथ में भी हमारे पास नथिंग कुछ भी नहीं है दैट्स वाई वी हैव रिटन योर ज़ीरो एंड फाइव हंड्रेड सो विल राइट इट योर फाइव so in the decimal we'll write here in the denominator part we have two zero so whole number में आपका zero आ गया after the decimal two digit हमको equal करनी होती है तो one तो हम zero include करेंगे and one number itself जो ऊपर है so यहाँ पर भी, भी हमने इसे number जो हमने place value में अगर हम इसे देखेंगे तो हमने यही लिखा है it means जीरो से आपके पास एंड फाइव हंड्रेड्स है फाइन सो इजीली आप इसे रीड कर सकते हो दिस इज जीरो पॉइंट जीरो फाइव एंड द प्लेस वैल्यू ऑफ फाइव इज फाइव हंड्रेड्स एंड जीरो इज जीरो सो वी कैन राइट इट जीरो पॉइंट जीरो 5 or 5 hundreds okay so students we have exercise here exercise 8b this is what fraction of each square is shaded राइट दिस फ्रैक्शन इन द डेमल फॉर्म ओके आपको डेसिमल फॉर्म में लिखना है कि ये फ्रैक्शन क्या है और uh, जो फ्रैक्शन आपका शेडेड है वो आपको डेसिमल फॉर्म में लिखा है वन यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है फाइन सो दिस इज अ स्क्वेर एंड वी हैव वी हैव डिवाइडेड दिस स्क्वायर इंटू हंड्रेड स्मॉल स्क्वायर्स जो इस स्क्वायर को हमने डिवाइड किया हंड्रेड स्मॉल स्क्वायर्स में डिवाइड किया है सो जस्ट काउंट देडेड पोर्शन शेडेड इसमें आपका नाइन जो फर्स्ट वाला है आपका एल नॉट रॉइट यल जस्ट राइट यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगी ओनली जो फर्स्ट है आपका वो आपका है नाइन आउट ऑफ हंड्रेड फर्स्ट में आपका नाइन आउट ऑफ हंड्रेड है सो so, इन फ्रैक्ट इन डेसिमल फॉर्म में हमने जब इसको लिखा है तो मैंने आपको पहले भी बताया था डिनोमिनेटर में हमारे पास टू ज़ीरो है तो होल नंबर में हमारे पास कुछ भी नहीं है सो विल राइट योर ज़ीरो एंड आफ्टर द डेसिमल विल हम इक्वल करेंगे नंबर्स को ओके okay? तो टू ज़ीरो हैं तो टू ही हमारे पास नंबर आने चाहिए डेसिमल के बाद तो वन तो हम जीरो लिख लेंगे एंड वन नाइन इट सो यो टू ज़ीरो आफ्टर दी डेसिमल यहां पर टू जीरो है डिनोमिनेटर में तो यहां पर भी हमारे पास टू डिजिट हो गई है टू एंड टू सो जीरो पॉइंट जीरो नाइन नेक्स्ट इज हंड्रेड स्मॉल स्क्वेयर्स है तो आपका वन तो है आपका टेंथ टेंथ की लाइन में आपका वन है ओके वन टेंथ है इट मीन्स वन टेंथ प्लस इसको जो सिंगल आप ये यूनिट वाइज जैसे काउंट कर लीजिए टेन के बाद इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सो नेक्स्ट आपका बी है सिक्सटीन आउट ऑफ हंड्रेड सो स्टूडेंट्स एज फ्रैक्शन एज डेसिमल फ्रैक्शन फॉर्म इट इज सिक्सटीन आउट ऑफ हंड्रेड एंड डेसिमल फॉर्म विल राइट इट एज जीरो जीरो बिकॉज इट इज़ होल होल में हमारे पास कुछ भी नहीं है एंड आफ्टर द डेसिमल here the denominator 2 0 so the numerator we have 2 number 2 number two digits here 2 digits here so we'll write it as 16 or only decimal put here similarly the next one c 1 2 2 tenths it means 20 now 20 these small squares 28. It means 28 hundredths. 0 0.28. So this will you will solve only in your book. you will only apni book may solve karenge. And this you will solve in your worksheet. Question number two you will solve in your worksheet. And question number three also in your book. Here numbers are given. एंड देंथ प्लेस यू हैव रिटर्न ह्योर फोर्स इज डन फॉर यू आपके लिए यहाँ पर किया है आपको ओनली सेपरेट करना है टेंथ एंड हंड्रेड्स में तो ह्योर वी हैव टेंथ में आपको दिया है एट बट हंड्रेड्स में नथिंग्स सो विल राइट ओनली जीरो अगेन ह्योर तो आप इस एग्जाम्पल को देख के ये सारे क्वेश्चन ओनली बुक में ही सॉल्व करेंगे सो नाउ लुकेट द क्वेश्चन नंबर टू दिस इज़ रीड एंड राइट द नंबर नेम्स इसमें भी वन आपके लिए सॉल्व किया है सो नेक्स्ट वन विल सॉल्व एंड नेक्स्ट टू यू वि सॉल्व इन योर ओन ओके दिस इज योर वर्कशीट वर्क राइट दिस वर्क वेरी नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग इन योर मैथ्स नोटबुक ये आपको मैथ्स की नोटबुक में करना है क्वेश्चन नंबर टू आपकी वर्कशीट में भी दिया है सो so वन तो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया है नेक्स्ट आई एम एक्सप्लेनिंग ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ उसके बाद नेक्स्ट टू और थ्री जितने भी हैं आपके वो आप अपनी मैथ्स की नोटबुक में करेंगे फाइन एंड दीज क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन एंड थ्री यू विल डू इन योर बुक ओनली एंड देन क्लिक दी पिक्चर ऑफ द बुक एंड अपलोड इट इन योर होमवर्क पोर्टल उसमें स्टूडेंट पोर्टल पर आप इसे अपलोड करेंगे अपनी वर्कशीट के साथ फाइन स्टूडेंट्स ओके नाउ लुक लुकेट द क्वेश्चन नंबर टू ओके स्टूडेंट वन तो ए पोर्शन तो आपका किया है बुक में सो नेक्स्ट इज रीड एंड राइट द नंबर नेम आप कैसे रीड करेंगे एंड कैसे लिखेंगे सो इट्स वेरी इजी सो जस्ट रीड इट अलाउड आपको इसको जोर से रीड करना है सबसे पहले आपका क्या लिखा है यहाँ पर नाइन ओके नाइन सो विल राइट योर नाइन एंड बिकॉज इन द प्लेस वैल्यू फॉर्म जैसे हम अगर फाइव की प्लेस वैल्यू नाइन की प्लेस वैल्यू चेक करेंगे तो वैसे ही हम यहाँ पर लिखेंगे भी इसे हम टू फॉर्म में लिख सकते हैं यहाँ पर आपका जो लिखा है बुक में वो टू फॉर्म में लिखा है इलेवन पॉइंट ज़ीरो फोर सो इलेवन एंड फोर हंड्रेड्स दिस इज प्लेस वैल्यू ऑफ फोर जो फोर हंड्रेड्स है फोर की प्लेस वैल्यू लिखी है एंड देन इलेवन पॉइंट जीरो फोर सो टू फॉर्म्स में आपका लिखा है दिस इज़ वन फॉर्म प्लेस वैल्यू फॉर्म में एंड दिस इज सिंपल जो आपका पॉइंट फॉर्म में जो आप रीड करते हो जैसे वैसे लिखा है सो यर ऑल्सो द प्लेस वैल्यू ऑफ फाइव एज बिकॉज फाइव इज इन दंड्रेड्स प्लेस आप यहाँ पर देखिए आफ्टर द देसीमल दिस इज टेंथ दिस इज हंड्रेड तो जीरो टेंथ की प्लेस में तो हमारे पास कोई नंबर नहीं ओनली जीरो है So five is in the hundreds place. So we'll write here nine and five hundreds. Or, ab read kijiye this is nine. This is point zero five. इसी तरीके से आप अपने और भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो ओके अंडरस्टूड एवरी वन सी इन द नेक्स्ट मैथ्स ट्यूटोरियल क्लास बाय बाय हैव अ नाइस डे